अच्छा, ये एग्रीकल्चर ड्रोन की डेमोन्स्ट्रेशन है कि इसमें फ़्लाइट प्लान कैसे करते हैं। सबसे पहले एग्री असिस्ट ऐप है, इसके कंट्रोलर के अंदर ग्राउंड प्लान में जाएंगे हम, और ये हमारे पास गूगल मैप्स का व्यू आ गया है। ठीक है, सबसे पहले न्यू प्लॉट और मैप सिलेक्शन। ठीक है, इनपुट फ़ोन नंबर, क्योंकि इसमें पूरा रिकॉर्ड डेटा स्टोर होता है कि किसकी किसके ग्राउंड को किया आपने और क्या नाम था ओनर का, फील्ड कौन सी थी। कंफर्म। अब पॉइंट्स हमने प्लेस करने हैं अपने फ़्लाइट प्लान के। फॉर एग्जांपल, एक बाउंड्री पॉइंट ये हो गया, एक बाउंड्री पॉइंट ये हो गया, अभी ज़्यादा दूर नहीं भेजते इसको, एक ये हो गया, एक ये हो गया। ठीक है, ये बाउंड्री पॉइंट सेव हो गए हैं, ये तकरीबन मतलब 0.06 हेक्टर्स। अब इसको हम सेव कर देते हैं। अच्छा, ये हमारा प्लॉट सेव हो गया। अब होम स्क्रीन पे गए, अब स्टार्ट प्रेस किया। ठीक है, और इधर से हम चूज़ करेंगे लोड जॉब्स, ये वाला मैप हमने किया था। ठीक है, अब इसके अंदर ऑप्शंस हैं, फ़्लाइट पाथ हमने स्टार्ट कहाँ से करना है, हमारी फ्लाइंग की क्या सीक्वेंस होगी, स्टार्ट वहाँ से होगा और एंड यहाँ पे होगा। ठीक है, स्टार्ट, रूट एडजस्ट। अच्छा, स्पेसिंग कितनी करनी है, 5 मीटर रखनी है, क्योंकि हमारा काफ़ी वाइड है एयरक्राफ्ट। इंडेंटेशन होता है, बॉर्डर से डिस्टेंस कितना रखना है, 5, 1 मीटर भी इनफ होता है वैसे। ओके, ऑब्स्टिकल बाउंड्री डिस्टेंस और ऑब्स्टिकल से डिस्टेंस, ऑब्स्टिकल हमने रखा ही नहीं हुआ। ओके, ठीक है, रूट एडजस्ट, स्पीड, ठीक है। अब स्टार्ट प्रेस किया हमने, फ्लाइंग स्पीड 1.5 तक हम रख सकते हैं। पी डब्ल्यू एम हमने जो पंप की यूजेज है वो मैनुअल है, लेकिन इसको हम ऑटो करेंगे। 30 लीटर्स पर हेक्टर ये स्प्रे करेगा अभी, पर हेक्टर। फ्लाइट स्पीड 1.5। अब कंफर्म, उसने अपलोड कर लिया। टेक ऑफ एल्टीट्यूड 5 मीटर्स, स्टार्ट। अब वो खुद ही फ्लाई करेगा और खुद ही स्प्रे करेगा। अपने होम पॉइंट पे जा रहा है खुद ही, और खुद ही स्प्रे स्टार्ट करेगा उधर जाके। चला गया, हमने स्पीड 1.5 रखी इसलिए बहुत स्लो फ्लाई करेगा, लेकिन देखो अब ऑटोमेटिकली खुद ही स्प्रे कर रहा है। स्प्रेइंग उसने स्टार्ट कर दी है, 0.3 लीटर्स के हिसाब से स्प्रे करता जा रहा है वो अपने पास पे। देखो उधर तक उसने स्प्रे कर ली, अब उसने अपना पाथ ट्रैक चेंज कर लिया है, अब वापस पीछे आ रहा है स्प्रे करता हुआ। इसी तरह इसने अपना पूरा ट्रैक ख़त्म करके खुद ही वापस आ जाएगा हमारे पास। स्प्रे करता जा रहा है अपनी खुद ही। फिर नोजल ओपन होगी और वो स्प्रे करता जा रहा है। ये लास्ट ट्रैक है, ये उधर जाके इसे रुक जाना है, क्योंकि इसका फिर ट्रैक ख़त्म हो जाएगा। देखो स्प्रे हो गई उधर तक, अभी जा रहा है, अभी रहता है ट्रैक। उसने स्प्रे कर दी है, अब उधर हवर कर रहा है क्योंकि उसने अपनी स्प्रे कर ली है। अब इसको मैन्युअली फ्लाई करके मैं वापस ला रहा हूँ। होम पॉइंट वैसे भी ला सकते हैं, लेकिन मैं मैन्युअली ला रहा हूँ। अब ये वापस आ गया और ये अच्छा, ये ऑटो स्प्रेइंग का इसके अंदर एक और मोड है जिसको कहते हैं AB स्प्रे मोड। अब सबसे पहले ड्रोन को हम आर्म करेंगे। ये ड्रोन टेक ऑफ हो गया।
ठीक है, अब वो हवर कर रहा है अपनी पोजीशन पे। इधर को जाओ, सबसे पहले पॉइंट ए सेलेक्ट करेंगे हम। देखो पॉइंट ए सेलेक्ट हो गया, ठीक है। स्प्रे विथ 5 मीटर फ्लाइंग स्पीड 2.6 कंफर्म, ठीक है। अब इसको अप्लाई करूँगा मैं मैन्युअली, इसकी तरफ करो। देखो स्प्रे करता जा रहा है, ठीक है, स्प्रे करता जा रहा है, इधर तक आ गया। अब ये हो गया पॉइंट बी, इधर करो ध्यान, इसको सेट किया पॉइंट बी। अब देखो उसने पूरा हमें फ्लाइट पाथ दे दिया, ऑटो फ्लाइंग में ये ऐसे स्प्रे करेगा, ठीक है। अब हम स्टार्ट प्रेस करते हैं तो यहाँ से खुद ही उसने स्प्रे करना है। अब देखो अब इस फ्लाइट पाथ में वो ऑटोमेटिकली फ्लाई करके स्प्रे करता जाएगा, A to B ऑटो फ्लाइंग करेगा। देखो आ गया इस पॉइंट पे, अब अपनी लाइन चेंज करके दोबारा शुरू दूसरे पॉइंट पे। अब इस सीक्वेंस में ये स्प्रे करता जाएगा, ये इजी मेथड है इसको फ्लाइट प्लान के बगैर फ्लाई करने का, ठीक है। फिर एंड कर दो यहाँ पे, ओके, और ये उधर ही रुक गया, ठीक है, एंड सक्सेस। और वो ग्रीन पाथ नज़र आ रहा है जिधर जिधर ये स्प्रे कर चुका है, ठीक है।